बैंक निफ्टी में कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने ये ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करके बताया था आपको ट्रेंड लाइन के साथ। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का ब्रेकडाउन हो चुका है। ब्रेकडाउन होने के बाद हम एंट्री लेंगे, ये मैंने बताया था। बिल्कुल ब्रेकडाउन हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ छोटा सा, उसके बाद वापस बैंक निफ्टी ने जो है यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया हुआ है। फिन निफ्टी में देख लेते हैं। फिन निफ्टी में भी मैंने एक ट्रायंगल पैटर्न बताया था, आप देख पा रहे हैं। फिन निफ्टी भी ट्रायंगल पैटर्न को यहाँ पे रिट्रेस करके फिर नीचे आई है, आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल हमने मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में आपको बताया था रिट्रेसमेंट पर हम यहाँ पर फिन निफ्टी में एंट्री ले सकते हैं पुट साइड का। निफ्टी का चार्ट में देख पा रहे हैं, अब मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ था, यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ था, बिल्कुल सपोर्ट को ही यहाँ पे निफ्टी जो है रिस्पेक्ट कर रही है। तो चलिए देख लेते हैं कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। जो मैंने एनालिसिस बताए थे बिल्कुल उसी तरह से मार्केट यहाँ पर आज के दिन वर्क किया है और सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है निफ्टी ने, आप देख पा रहे हो दोस्तों। तो एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए तभी आप एनालिसिस करना खुद से सीख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं कल की एनालिसिस, क्या होनी चाहिए, क्या लेवल होने चाहिए, उसके बाद देखेंगे ऑप्शन चेन डेटा और उसके बाद जानेंगे टिप क्या निकल के आ रही है कल के दिन के लिए, जिसकी मदद से आप अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हो। निफ्टी के लेवल मैंने ड्रॉ कर लिए है दोस्तों, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। और ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किए हुए, ये लेवल जो है रेजिस्टेंस के से निफ्टी में काम करेगा। ये लेवल हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस होगा, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग के अपसाइड निकलती है तो ये पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए होगा। और ये जो लेवल है वो सपोर्ट के से निफ्टी में काम करने वाला है। 18,394 रेजिस्टेंस है, 18,265 का हमारे पास और एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है और सपोर्ट है 18,203 का। समझ लीजिए निफ्टी गैप ओपनिंग होकर डाउन सा रहते हैं, ये लेवल सपोर्ट बन जाएगा, ये हमारे लिए दूसरा सपोर्ट के जैसे काम करने वाले हैं। निफ्टी समझ लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होकर अपसाइड निकलती है तो ये जो लेवल है वो रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा 18,265 का, और ये लेवल हमारे लिए दूसरा रेजिस्टेंस बन जाएगा जो हमारा टारगेट होगा दूसरा निफ्टी में। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, लेवल मैंने सारे ड्रॉ कर रखे हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं। ये जो लेवल है वो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस के से काम करेगा, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन अपनी होकर अपसाइड निकलती है पहला रेजिस्टेंस हमारा ये रहेगा, दूसरा रेजिस्टेंस ये वाला लेवल रहने वाला है। बैंक निफ्टी में लेवल बता देती हूँ मैं, रेजिस्टेंस है यहाँ पे 40,988 का और ये भी रेजिस्टेंस है 40,625 का अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और अपसाइड निकलती है तो। और ये जो लेवल है वो सपोर्ट के जैसे बैंक निफ्टी में काम करेगा, 40,464 का लेवल। बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होकर डाउन से रहती है, गैप ओपनिंग होकर डाउन से रहती है तो ये लेवल सपोर्ट के जैसे काम करेगा 40,464 का लेवल हमारे पास दूसरा सपोर्ट बना हुआ है। तो ये जो लेवल है वो रेजिस्टेंस के जैसे काम करने वाले हैं दोनों लेवल, और ये सपोर्ट के जैसे बैंक निफ्टी में काम करने वाले। फिन निफ्टी में देख लेते हैं, फिन निफ्टी में भी लेवल मैंने ड्रॉ करके रखे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे ये जो लेवल है फिन निफ्टी में रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये लेवल भी रेजिस्टेंस बन जाएगा अगर फिन निफ्टी गैप डाउन ओपन होकर अपसाइड निकलती है। ये लेवल हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस बनने वाला है। जो लेवल है 19,245 का पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस है 19,320 का। फिर निफ्टी गैप डाउन अपने गैप ओपन होकर डाउन सा रहती है तो पहला सपोर्ट हमारा ये बनने वाला है 19,245 का, दूसरा सपोर्ट है 19,175 का लेवल। ये तीनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है, उसके बाद जानेंगे टिप क्या निकल के आ रही है निफ्टी बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में। निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा मैंने ओपन कर रखा है, 18,285 पे निफ्टी ने आज के दिन क्लोजिंग दिया है। देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। तो हम अगर ओआई देखें तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो निफ्टी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है वो है 18,300 के लेवल पर। अच्छा खासा मुझे ओआई नज़र आ रहा है, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है 18,200 पे अच्छा खासा ओआई। और इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे अच्छा खासा ओआई नज़र आ रहा है 18,400 पे। तो ये जो लेवल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के से काम करने वाले निफ्टी में। चलिए निफ्टी का चार्ट ओपन करके देख लेते हैं कि कहाँ पे ये लेवल बन रहा है। 18,200, 18,300 और 18,500 का जो लेवल है वो हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना हुआ है। 18,400 का लेवल था, 18,400 का लेवल। तो 18,400 का लेवल कहाँ पे बन रहा है देख लेते हैं हम। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने जो आपको रेजिस्टेंस बताया बिल्कुल उसके आसपास का ही लेवल है 18,400 का। 18,300 अगर हम देखें तो यहाँ पे बन रहा है 18,300 का लेवल, यहाँ पे कहीं पे 18,300 का लेवल बन रहा है आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे 18,200 का लेवल बन रहा है। तो बिल्कुल मैंने जो लेवल बताया है बिल्कुल वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के से कल के दिन काम करने वाले हैं निफ्टी में।
बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैनल देख लेते हैं, उसके बाद चार्ट में देखेंगे। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 40,677 पे, और अगर हम यहाँ पे सबसे बढ़िया आयो देखें, सबसे बढ़िया ओआई देखें, तो यहाँ पे हमें नज़र आएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी में कहाँ पे बन रहा है, तो ये जो है 40,500 पे मुझे अच्छा खासा नज़र आ रहा है यहाँ पे ओआई। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 40,900 पे और 40,800 पे अच्छा खासा ओआई बना हुआ है। तो हम अगर चार्ट में जाके देखें 40,900, 800 और 40,500 का लेवल, तो हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। 40,900 का जो लेवल है वो ये वाला लेवल है दोस्तों, यहाँ पे 40,900 का लेवल है। 40,800 अगर हम देखें तो ये वाला लेवल 40,800 है। 40,500 का लेवल बिल्कुल यही है जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं मैंने जो लेवल ड्रॉ किए हैं वही लेवल यहाँ पे निकल के आ रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के से। तो ये तीनों लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल के दिन के लिए, इसके बीच में ही जो है बैंक निफ्टी सस्टेन कर सकती है। फिर निफ्टी ये लेवल मैंने बता दिया आपको, ऑप्शन चैनल बता दिया, अब देख लेते हैं टिप क्या निकल के आ रही है कल के दिन के लिए, जिसकी मदद से हम अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हैं। टिप जो भी मैं बताती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो टिप को ज़रूर सुना कीजिए। आई बटन में जो भी वीडियो दे रखी है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो स्ट्रैटेजी की वीडियो है मैंने आपके लिए बनाई हुई है, तो ज़रूर जाके देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ऑर्डर बुक की वीडियो है, उसे आपको ज़रूर देखना चाहिए, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में वो वीडियो चेंजेस ला सकता है, तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिए। एंड स्क्रीन में भी मैंने प्लेलिस्ट दे रखा है, जो सॉफ्टवेयर का मैं यूज़ करती हूँ उसका प्लेलिस्ट मैंने एंड स्क्रीन में दे रखा है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर जाके देखिए प्लेलिस्ट को। चलिए देखते हैं टिप क्या निकल के आ रही है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों में ही। निफ्टी के चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा एम पैटर्न नज़र आ रहा है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं एम पैटर्न अच्छा खासा बना हुआ है, और यहाँ पे एम पैटर्न की नेकलाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है, एक रिट्रेसमेंट भी हो चुका है, और रिट्रेसमेंट के बाद जो है निफ्टी डाउनसाइड आ सकती है। हमारे पास जो लेवल है 18,100 तक निफ्टी आने वाले दिनों में आ सकती है, हो सकता है कल ही आ जाए। तो ये निफ्टी की एनालिसिस थी, निफ्टी के लिए टिप बता दिया मैंने। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, बैंक निफ्टी में आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस को काफ़ी बार यहाँ पे टेस्ट कर चुकी है, ये रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक होगा अच्छा खासा मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिलेगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ही हम कॉल साइड एंट्री लेने वाले हैं। तो आप अगर टिप मानते हैं तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ही कॉल साइड एंट्री लीजिएगा, तब तक जो है यहाँ पर एंट्री कॉल साइड लेना रिस्की होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत बार जो है बैंक निफ्टी अपसाइड निकल के फिर यहाँ से डाउनसाइड आई हुई है। तो यहाँ पे अगर कॉल साइड आप एंट्री लेते हो तो आप ट्रैप हो सकते हो, ट्रैपिंग जोन मुझे ये दिख रहा है। फिन निफ्टी में देख लेते हैं, फिन निफ्टी में मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों फिन निफ्टी जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं देती हम कॉल साइड एंट्री नहीं ले सकते। ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है फिन निफ्टी में, ये वाला सपोर्ट ब्रेक होने के बाद हम पुट साइड एंट्री ले सकते हैं, एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिएगा, रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं सपोर्ट के पास, एक रिट्रेसमेंट होने के बाद, और फिर निफ्टी में हमें अगला लेवल जो है 19,000 का देखने को मिल जाएगा आने वाले दिनों में, या हो सकता है कल ही देखने को मिल जाए। एक रिट्रेसमेंट के बाद आप पुट साइड एंट्री फिर निफ्टी में ले सकते हैं। तो ये थी एनालिसिस दोस्तों कल के लिए, वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के एनालिसिस करना सीख सके, खुद से प्रॉफिट निकालना सीख सके, और एक अपना जो लॉस है वो धीरे धीरे रिकवर कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।